और एक और बड़ी खबर से भी आपको अपडेट करवा देते हैं। गरियाबंद से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, नक्सलियों ने किया लोकसभा चुनाव का बहिष्कार। बाजार चौक में बैनर पोस्टर लगाकर जनता से वोट ना करने की अपील की है। बसों में भी ये पोस्टर लगाए गए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। हालांकि चुनाव बेहद नजदीक हैं और उससे पहले जो नक्सली हैं उन्होंने एक बार फिर से चुनाव का बहिष्कार किया है। आपको बता दें, जब जब चुनाव नजदीक आते हैं हमेशा से विकास विरोधी रहे हैं नक्सली, और एक बार फिर से लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की उन्होंने यहां पर धमकी दी है। बाकायदा जगह जगह जो उन्होंने पोस्टर लगाए हैं, बैनर पोस्टर लगाए हैं, उसमें साफ तौर पर उन्होंने लिखा है कि जो चुनाव होने हैं उनका बहिष्कार करें, वोट ना करने की अपील लोगों से की है। बसों में भी बाकायदा पोस्टर लगा दिए गए हैं। अब पुलिस उस पूरे मामले की जांच में जुटी है और पुलिस गहनता से इसकी जांच कर रही है। जो पोस्टर ये लगाए गए हैं आप देख सकते हैं, तस्वीरों में भी नक्सलियों द्वारा ये पोस्टर बैनर लगाए गए हैं जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करें, जनता से वोट ना करने की अपील की गई है। गरियाबंद से संवाददाता दीपक वर्मा इस वक्त फोन लाइन पर है। दीपक, नक्सलियों ने एक बार फिर से वोट ना करने की अपील की है, बाकायदा बैनर उन्होंने लगाए हैं, बसों पर पोस्टर चिपका दिए हैं। बताना चाहूंगा, गरियाबंद के जिले के रसेरा ग्राम में ये जो नक्सलियों द्वारा बैनर और पोस्टर लगाया गया, जो बस स्टैंड में लगाया गया, साथ साथ स्कूलों में लगाया गया, स्कूलों में लगाने से जो छात्र पढ़ने वाले उसमें दशहत का माहौल है, साथ साथ ग्रामीण और दशहत का माहौल है। और बाकायदा वहाँ पे लिखा गया, इसमें जो पोस्टर लगा वहाँ पे बम रखा हुआ है। इसमें जब इसकी सूचना जब ग्रामीणों द्वारा फिर गरियाबंद को दिया गया पुलिस हेडक्वार्टर में, तो आनंद खान उन्होंने वहाँ पे पुलिस टीम रवानगी वहां पहुंचा और साथ साथ स्क्वाड डार्क स्क्वाड भी पहुंचा गया, बम निरोधक दस्ते भी पहुंचे गए हैं, ताकि ऐसा कोई बड़ी घटना ना हो। ठीक है, चलिए दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समाप्त जानकारी के लिए।